हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब दवाइयाँ, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे और इन दवाइयों से आप यकीन मानिए आपको लाभ होगा। आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी जो बिगड़ी हुई संग्रहणी है, IBS है और डायरिया है, तो इस तरीके से जो भी आपकी समस्या है आज हम उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक पूरी देखिए, स्किप मत करना, काफी कुछ चीजें छूट जाती हैं। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, इसको कितनी टैबलेट लेनी है, किस तरीके से इसका सेवन करना है, तो इसका मतलब आप वीडियो देखते नहीं है, वीडियो को स्किप कर देते हैं, उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता किस तरीके से दवाई लेनी है, किस तरीके से इसका सेवन करना है, पथ्य पथ्य का पालन करना है। तो वीडियो को कोशिश कीजिए कि पूरी देखिए, जिसका आप सेवन करने जा रहे हैं कम से कम वीडियो तो पूरी देखिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालिए कि ये हमें इसका सेवन करना है या नहीं करना है, और फिर आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर यहाँ से मैं पहले बात करूँ तो ये है हमारी संजीवनी वटी। जी हाँ फ्रेंड, संजीवनी वटी ये देख लीजिए, वैद्यनाथ कंपनी की है संजीवनी वटी। तो ये पुराने ज्वर और दस्त में लाभकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार सोच रहे होंगे कि IBS की समस्या है, हमें तो डायरिया है तो हमें ज्वर का क्या काम है। पर आप देखिए कि जब हमारे संग्रहणी बिगड़ती है और ज्वर भी आता है, कईयों का क्या होता है कि फ्रेंड्स इसमें IBS में हमारा पित्त वात प्रकोप सब बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और हमें पित्त की वजह से कभी कभी बुखार भी आ जाता है, या शरीर में आग सी जलन सी महसूस होती है कहीं पे कि हमारे शरीर में दाह हो रही है। तो इस तरीके से ये संजीवनी वटी उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। तो फ्रेंड्स, अब ये संजीवनी वटी हो गई। दूसरा है हमारे पास एमिडियोस फोर्ट सिरप, ये एमिल कंपनी बनाती है और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है, और पिछली वीडियो भी मैंने इस पर बनाई थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला है उस पर कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, और जो भी इसका सेवन कर रहे हैं वो निश्चित ही इससे लाभ ले रहे होंगे, और अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए, डायरिया IBS की शिकायत ना हो उससे निजात पाने के लिए वो ठीक रहे, इसके लिए हमें एमिडियो फोर्ट का सेवन करना होता है। तो किस तरीके से सेवन करना है फ्रेंड्स, ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये देखिए, ये है कुटजारिस्ट फ्रेंड्स, ये डाबर की कंपनी बनाती है कुटजारिस्ट। तो ये जो कुटजारिस्ट है इसका भी मैं सेवन बताऊंगा आपको, ये भी IBS में बहुत ही फायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी दवाई है अमीबिका टैबलेट, तो ये जो फ्रेंड्स अमीबिका टैबलेट है वैद्यनाथ कंपनी की, ये भी बहुत ही फायदा करती है। तो ये भी इसका भी जो हमारा अतिसार है बिगड़ जाता है और आँव आने लग जाती है, चिकना मल आता है, और कहीं कहीं तो मल के साथ में रक्त भी आता है, उसे रक्त अतिसार कहते हैं, तो वो एक बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर, ये दवाई बहुत ही फायदा करती है। तो फ्रेंड, ये एक दवाई हो गई। अब हमारी जो ये दवाई है ये है पंचामृत परपटी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी वैद्यनाथ कंपनी बनाती है पंचामृत परपटी। तो ये देख लीजिए, इसकी भी जो है संग्रहणी रोग अतिसार मंदाग्नि की प्रसिद्ध एवं प्रचलित दवा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कईयों को पता नहीं होता है, आयुर्वेद में एक से एक बढ़कर दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और ये बहुत ही फायदेमंद दवाइयाँ हैं। अब इनको कैसे हमें यूज़ करना है, किस तरीके से इनका सेवन करना है, और कैसे हम अपना IBS बिगड़ा हुआ IBS और जो आँव आ रही है, चिकना मल आ रहा है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, अब इनको हमें कैसे सेवन करना है और इनसे कैसे लाभ लेना है, तो अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप ये दवाइयाँ देख रहे हैं, ये टैबलेट संजीवनी और अमीबिका टैबलेट, तो इनकी दो दो गोली लेनी है आपको और सुबह शाम खानी है, कोई एक निश्चित समय मांग लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग में 10-11 बजे नाश्ते के बाद में आप ये दो गोली संजीवनी वटी लीजिए और दो गोली आपको अमीबिका टैबलेट की लेनी है। तो दो गोली ये, तो ये देख लीजिए इसमें कुछ इस तरीके से गोली आती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके, देखिए ये गोली, इसकी दो गोली लीजिए और तो ये देखिए इस तरीके से कुछ ये गोली दिखने वाली है,
दो गोली ये और दो गोली अमीबिका और दो गोली संजीवनी वटी। तो ये चार गोली आपको एक टाइम में लेनी है। आप एक निश्चित समय बांध लीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एक निश्चित समय सुबह जैसे कि 10 या 11 बजे कभी भी आप ले लीजिए, फिर शाम को ले लीजिए 6-7 बजे 5 बजे कभी भी आप ले सकते हैं, या रात में ले लीजिए, पर एक निश्चित समय होना चाहिए कि हाँ मुझे इसी टाइम लेनी है। तो सुबह शाम ये हो गई आपकी 4 टैबलेट एक टाइम पे और एक शाम को एक अलग टाइम पे, आपकी 2 खुराक हो गई इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये अमीबिका टैबलेट और ये संजीवनी वटी ये आपको लेनी है। और फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप एमिडियो फोर्ड, इसके बारे में भी मैं पहले रिव्यू दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एमिडियो फोर्ड ये बहुत ही अच्छा सिरप है, एमिल कंपनी बनाती है। कई बार हमें गर्मियों में दस्त चल जाते हैं, IBS की भी शिकायत हो जाती है हमें, और ये देख लीजिए ये कई सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होगा। अगर मैं इसकी डोजेस की बात करूँ तो देखिए कंपनी इस पर रिकमेंड भी कर रही है 2 से 3 चम्मच, आपको 3 बार लेनी है फ्रेंड्स, 2 से 3 चम्मच 3 बार, और जो 1 चम्मच है वो लगभग 5 ml होती है, तो ये 100 ml की शीशी है, और आप लगभग 2 से 3 चम्मच लेते हैं तो लगभग 10 से 15 ml एक बार में आपको पीनी है। तो ये काफ़ी अच्छा सिरप है, पीने में भी बड़ा टेस्टी है, मीठा सा सिरप है। तो मीठा सिरप होने की वजह से यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो है डायबिटीज़ और शुगर जो पेशेंट हैं उनको IBS से वो पीड़ित हैं, तो वो ये एमिडियो सिरप फोर्ट सिरप उनको नहीं लेना है, एमिडियो फोर्ट सिरप की जगह उनको कुटजारिस्ट सिरप लेना है, कुटजारिस्ट ये उनको सेवन करना है, कुटजारिस्ट 30 ml उनको लेना है, 15 से 30 ml एक बार में खाना खाने के बाद ले लें, फिर उसी तरीके से शाम को भी खाना खाने के बाद ये कुटजारिस्ट ले लें 30 ml एक बार में पानी में मिला के, उसी क्वांटिटी में पानी में मिला के कुटजारिस्ट को ले लें, तो ये फ़ायदा करेगी। हमारा बस्ती है ये एक दवाई पंचा अमृत परपटी, तो इसका क्या गुण है और ये किस तरीके से हमें लाभ करेगी, तो फ्रेंड चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये भी संग्रहणी रोग अतिसार मंदग्नि की प्रचलित दवा है। तो इसकी जो हमें ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आती है हमारी 10 ग्राम में आती है, तो इसको हमें किस तरीके से सेवन करना है, इसका सेवन करना है हमें 1 से 1.5 ग्राम के बीच में फ्रेंड्स, 1 से 1.5 ग्राम के बीच में हमें इसका सेवन करना है पंचामृत परपटी का, या चम्मच का एक अगला भाग वो आपको लेना है शहद के साथ, शहद में मिला के उसे घोल लीजिए और उसको चाट लीजिए। उसके बाद चाट लेने के बाद आप फिर क्या करेंगे, आप ऊपर से एक ठंडा किया हुआ दूध, गर्म दूध को ठंडा किया हुआ 1 कप दूध पी लेना है आपको। ये जो मंदग्नि है, इस बीमारी में कई बार क्या होता है कि हमारी पेट में भूख लगना बंद हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, पेट फूला जा रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, एक रोटी खाइए उसमें भी पेट भरा भरा सा रहता है, और ज़्यादा खा लो तो पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, सोच के लिए जाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से सिम्टम है इसके संग्रहणी के और अतिसार में इस तरीके से, तो ये आपकी भूख भी खोलेगी पंचामृत परपटी, और ये आपको एक अच्छा रसायन है, ये परपटी है जिससे आपकी भूख में शुदा में वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं इनके प्राइस की तरफ। तो मैं अगर फ्रेंड्स इस परपटी से देखिए अगर मैं शुरू करूं तो ये है 168 रुपए की, पंचामृत परपटी है 168 रुपए की। तो फ्रेंड्स ये है अमीबिका टैबलेट, अमीबिका टैबलेट आपकी आएगी, देखिए मैं फोकस कर देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप चाहें तो आई बटन पे लिंक आ जाएगा, आप आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 492, जी हाँ 492 रुपए की ये इसकी कीमत है अमीबिका टैबलेट, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा, देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे प्राइस आ रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से ये जो संजीवनी वटी है फ्रेंड्स, ये संजीवनी वटी की कीमत है, इसमें देखिए नीचे दे रखा है इसमें, इसकी कीमत है 113 रुपये, आपको मैं फोकस कर देता हूँ, तो देखिए संजीवनी वटी 113 रुपये, तो ये एक 113 रुपये की फ्रेंड्स संजीवनी वटी हो गई। और इसी तरीके से ये जो एमिडियो सिरप है इसका फ्रेंड्स, आप ये जो सिरप है ये 100 ml की सीसी में आता है, अगर आप इसे सुबह शाम 3 टाइम पीना है, अगर समस्या ज़्यादा है तो 3 टाइम पीजिए, नहीं तो सुबह शाम पी सकते हैं, ये आपके 3 से 4 दिन चलने वाली दवाई है, और इसकी जो कीमत है वो 116 रुपये है। तो
ये आप देख लीजिए एमिडियोफोर्ट, ये काफ़ी अच्छा सिरप है, पर शुगर पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसे कदापि ना ले, क्योंकि ये बहुत काफ़ी मीठा सिरप है, इसमें शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा, तो इसको जो शुगर पेशेंट है वो इसे अवॉइड करें। बाकी ये जो फोर्ट है ये डायरिया में बहुत ही फायदेमंद सिरप है, उसकी जगह ये कुड़जा रिस्ट लेनी है। कुड़जा रिस्ट को कोई भी सेवन कर सकता है, ये खास तौर पे जो शुगर पेशेंट हैं कई बार वो भी पूछ लेते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछते हैं कि हमें शुगर भी है तो हमें कोई ऐसा सिरप बता दीजिए ये जो हमें फ़ायदा दे, या ऐसी दवाई बताएं कि जो हमें हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे और शुगर हमारी ना बढ़े। तो ये जो कुड़जा रिस्ट है वो आपका शुगर लेवल भी कम करेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कड़वापन होता है, तो ये आपका शुगर भी कम करेगी और फ़ायदा भी करेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये जान लीजिए, कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं अन्य वीडियो में कि हमें सर ये बता दीजिए कि ये दवाई कितने दिनों तक लेनी होती है, किस तरीके से लेनी होती है और कहाँ से मिलेगी। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं वो जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर पे कुछ मिल जाती हैं, जैसे कि कुड़जा रिस्ट है वो तो लगभग सभी मेडिकल स्टोर वाले रखते हैं, वो आपको मिल जाएगी। वैद्यनाथ की लगभग सभी मेडिकल स्टोर वाले रखते हैं, वहाँ मिल जाएगी, नहीं तो आपके लोकल एरिया में कोई ना कोई एक आयुर्वेदिक स्टोर होता है, आप पता कीजिए, गूगल कीजिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन इनको परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको ये सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। अब दूसरा सवाल जो आयुर्वेद करता है कि आयुर्वेद कहता है कि आप ये दवाइयाँ लीजिए, सारी दवाइयाँ फ़ायदेमंद हैं, पर आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है पथ्य अपथ्य की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको पथ्य अपथ्य का पालन करना है, आपको ये दवाइयाँ तभी फ़ायदा करेंगी। और कई लोग पूछ लेते हैं कि कितने दिन में फ़ायदा करेंगी, तो इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, कोई तय नहीं कर रखी कंपनी ने, कोई डेडलाइन नहीं दे रखी कि हाँ आपको इतने समय में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपको ये ठीक कर ही देगी। हो सकता है आपको 3 दिन में ही फ़र्क नज़र आ जाए, हो सकता है आपको 15 दिन लगे या फिर महीना लगे, पर हाँ निश्चित ये है कि फ़ायदा तो करेगी, पर वो आपके पथ्य अपथ्य पे भी निर्भर करता है, काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता है आपके खान पीने पे। तो आप सुपाच्य भोजन लीजिए, हल्का भोजन लीजिए, गर्मियां हैं छाछ पीजिए, बेल आ रखा है मार्केट में आप बेल पीजिए, बेल का शरबत पीने से ही आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाती है, इन दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेल का जूस ही गर्मियों में रेगुलर पी लेते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आप चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं बीमारी के बारे में तो भी समस्या बनी रहती है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, तो उससे बाहर निकलिए, उसके बारे में मत सोचिए, अच्छा सोचिए, घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खुली हवा में टहलिए। तो यही सब आयुर्वेद कहता है और यही सब मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रकृति से जुड़िए, दवाइयाँ हैं वो फ़ायदा करेंगी, बिल्कुल करेंगी, तो आपको कुछ धीरज से काम लेना पड़ेगा, आपको इन दवाइयों पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको इनको सही समय पे लेना पड़ेगा, उतनी मात्रा में लेना पड़ेगा जो बताया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पे फ़ायदा करेंगी। आयुर्वेदिक होने के साथ साथ ये बहुत ही कम इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या ना के बराबर ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फिर भी आप अपने विवेक के अनुसार या कि कोई कोर्स या दवाई आप करना जा रहे हैं तो उसके बारे में आप जानकारी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, अपनी या किसी नज़दीकी डॉक्टर वैद्य चिकित्सक से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, या तभी आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस यही आशा करता हूं कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।